प्रॉब्लम में हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल्स देख रहे थे, उसी में कड़ी में कुछ क्वेश्चंस और ऐड हैं, को और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन, द कॉमन एमिटर करंट गेन, द कॉमन एमिटर करंट गेन, द कॉमन एमिटर करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज बीटा इज इक्वल टू 75। द वोल्टेज VBE base to emitter voltage in on state is 0.7 volt. How much? 0.7 volt. Full stop. The value of IE and RCR. आपसे आई और आरसी का मान पूछा गया है, राइट? अब इस पर प्रॉब्लम में फाइन, अब इस प्रॉब्लम में अगर हम लोग सर्किट की बात करें तो ये 12 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज गिवन है, इसके साथ यहां 10 किलो ओम गिवन है एंड ट्रांजिस्टर इज अगेन आई एम सेइंग पीएनपी, तो एरो मार्क दिस है और यहां ऊपर एमीटर है तो नीचे आरसी है और इस आरसी के साथ माइनस का 12 वोल्ट नीचे है और ऊपर दिस इज कॉल्ड एज बेस वोल्टेज और दिस इज एमीटर, दिस इज कलेक्टर, सो हियर एमीटर एंड कलेक्टर पोटेंशियल इज गिवन एज विद रिस्पेक्ट टू एमीटर टू कलेक्टर वीईसी, राइट? वीईसी इज गिवन एज 6 वोल्ट और ये अपने पास से दिस इज एमीटर करंट बेस प्लस कलेक्टर और यहां कलेक्टर करंट है। आईसी 75 है सो यूज एग्जैक्ट, सो यूज एग्जैक्ट मेथड। दिस इज वीबी ओनली स्टूडेंट्स, नॉट ऐसा दिया है, सॉरी, माइनस 0.7। VB is in on state and इसका मान कितना दिया है? -0.7। -0.7 का मतलब आप समझ सकते हैं, this is VEB. Fine? करो start. Yes, there is. This is E and B. तो VEB. VB का मान 0.7 है। देखो स्टूडेंट्स, VBE अगर माइनस का 0.7 है तो पक्का है VEB क्या होगा? प्लस का 0.7 वोल्ट, एक ही बात है। फाइन, और एक आप इनपुट सेक्शन पर वैल्यू बना सकते हैं। यस, सो दिस इज VE पोटेंशियल, यहां VE वोल्टेज बनेगा और यहां VC। हाँ, अगर इनपुट पर केवीएल लगाना चाहें तो 12 इज इक्वल टू अप्लाई केवीएल इन इनपुट सेक्शन। अगर इनपुट सेक्शन पर केवीएल लगाएं तो 12 इज इक्वल टू आईई इंटू 10 के प्लस वीईबी
तो यहां से आपके पास एमीटर करंट आ गया। हाँ, क्वेश्चन लिखने का भी मैं टाइम दूंगा। एमीटर करंट इज 12 माइनस 0.7 अपॉन 10K, दैट मींस ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1.13 मिली एम्पियर। दिस इज नथिंग बट एमीटर करंट। एमीटर करंट का मान आ चुका है 1.13। एक बात आप मेरी समझ रहे होंगे कि अगर एमीटर करंट आपको पता है, राइट, तो क्या बेस प्लस कलेक्टर करंट भी पता है? अदरवाइज बेटर टू यूज, यहां आप सीधे आईसी बराबर अल्फा आई भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज आईसी बराबर अल्फा इंटू आईई, राइट। एक ही बात है, अल्फा का मान क्या होता है? बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू आईई। अभी एग्जैक्ट मेथड यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जैक्ट ओनली। बीटा का मान कितना दिया था? 75 अपॉन 76 इंटू एमीटर करंट हाउ मच? 1.13। आंसर इज 1.11 मिली एम्पियर। दिस इज आईसी। राइट, हाँ हाँ। अरे ये सुनो सुनो सुनो, पूछा उसने, ये आज की क्लास यहां से स्टार्ट है, सॉरी, राइट। ये फिगर का स्क्रीनशॉट ले लें, जस्ट अभी एक पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है। राइट, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कलेक्टर वोल्टेज की, देखो ध्यान से सुनो, अपने को आरसी पता करना है, आरसी पता करना है, तो आपने आईसी पता कर ली, बट क्या अभी आपको वीसी पता है? वीसी अपन पता कर सकते हैं, बट वीसी कैसे आपको पता चलेगा? इस रिसलेशन से वीसी का मान कितना दिया है? 6 वोल्ट, राइट। तो अगर वीसी 6 दिया है, सो यू कैन से वीईसी इज गिवन एज 6, तो V माइनस वीसी कितना दिया है? 6 वोल्ट। अब VE माइनस वीसी का मान 6 है, तो क्यों ना हम VE का वोल्टेज पता कर लें? चलो एमीटर वोल्टेज कितना हो जाएगा बताओ यहां से देखकर, क्या स्टूडेंट्स दिस वोल्टेज बराबर दिस प्लस दिस नहीं हो जाएगा? ये वाला वोल्टेज बराबर दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, कोई दिक्कत? इस वोल्टेज में अगर इस वोल्टेज को जोड़ दें तो क्या वी नहीं आ जाएगा? राइट, अच्छा पूरे में लगाना है, पूरे में लगा लो। देखो ये कह रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, देखो वो एक ही बात है। अब यहां से आपको पता क्या करना था? वीई, राइट। तो यहां पर यस, देखो VEC बराबर 6 है, यहां पर अगर मैं VE का मान पुट करना चाहूं, राइट, तो क्या VE की वैल्यू डायरेक्टली वाच हो रही है? फाइन, ये सुन ना, यहां से दिस वीसी पता चल जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज वी यहां से पता कर लो, आई पता है,
क्लियर है सबको? ठीक है, तो वीईबी बराबर 0.7, वीई माइनस वीबी बराबर 0.7 और बेस वोल्टेज जीरो है, तो वीई बराबर 0.7, नॉट एन इशू। अब बताओ वीसी कितना हो गया? क्या वीसी का मान वीसी इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं वीई माइनस 6, राइट, और वीसी बराबर ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.7 माइनस 0.6, तो ये वोल्टेज कितना बन गया माइनस का, नॉट 0.6 सॉरी, दिस इज 6 ओनली, माइनस 5.3। ये अपने को वीसी पता चल गया। अच्छा, वीसी अपने को पता चल गया, देखना जरा, तो क्या यहां से आरसी पता चल सकता है? इस ब्रांच को मैं सेपरेट बना लूं, फाइन। अगर आप इस ब्रांच को सेपरेट बना लें स्टूडेंट्स, देखिए ये था वीसी, ये था आरसी, और यहां का पोटेंशियल था माइनस 12, राइट, और करंट जो अपने पास आईसी थी, फाइन, हाँ, अपने पास जो करंट आईसी थी वो ये थी, तो बताओ क्या आरसी बराबर लिख सकते हैं वीसी माइनस ऑफ माइनस 12 डिवाइड बाई आईसी, वीसी का मान माइनस 5.3 माइनस माइनस प्लस 12 बटे आईसी कितना आया था, हाउ मच, 1.11 मिली एम्पियर। जी बताएं कितना आ रहा है आंसर आरसी का मान, यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर आरसी की वैल्यू कितनी आ रही है, 6.03 ओके किलो जो भी आ रहा है। आप वैसे भी पता कर सकते थे, उससे कोई इशू नहीं है। देखो 12 ये वाली करंट, देखो स्टूडेंट्स ये वाली करंट से भी पता कर सकते थे, राइट, वी 12 माइनस आई इंटू आर ई, राइट, तो ये पता चल जाता। इस वोल्टेज से अगर इसको घटा दें तो भी तो अगला वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। एक बार देख लो, कहीं कोई इश्यू हो तो बताओ। सॉरी, यू कैन चेक। गौरव कहीं कुछ मिस्टेक कर रहा हो, 477 नहीं आएगा, 6.03 के। फाइन, आगे मूव करें। चलो अब देखिए, यहां पर अगर अब मैं आपसे बोलूं एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट लेने को, तो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के लिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया, फॉर द ट्रांजिस्टर गिवन बिलो। देखो ये पीएनपी पढ़ना है स्टूडेंट्स, इसलिए करंट उल्टी आ रही है, डायरेक्शन बदल जाती है, राइट, फॉर द ट्रांजिस्टर गिवन बिलो
कैलकुलेट, वर्ड यूज किया एग्जामिनर ने अप्रोक्सीमेट, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट बेस एंड एमीटर वोल्टेजेस, बेस एंड एमीटर वोल्टेजेस क्या पता करना है, कैलकुलेट करना है बेस और एमीटर का वोल्टेज, और एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट आपको दिया है। यहां लिखा हुआ है -10 वोल्ट, दिस इज 2K, देखो तीर का निशान इस बार दिस है, यहां वैल्यू 10 किलो ओम है एंड हियर एमीटर करंट, इसके बाद यहां 4K है, फर्दर यहां 16K है, दिस इज 16K, यहां पर मेंशन है दिस इज प्लस माइनस VEB एमीटर टू बेस। अच्छा देखो ट्रांजिस्टर में IE की डायरेक्शन समझ में आ रही है, तो पक्का है कलेक्टर में भी डायरेक्शन IC अपवर्ड होगा, राइट? ये बेस टर्मिनल मान लेना VB, इससे बेस का पोटेंशियल पता कर लेना। यस, अप्रोक्सीमेट दिया है स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेट का मतलब आईसी और आई लमसम इक्वल, राइट? इसके बेस पर आप एनालिसिस स्टार्ट करिए। बिल्कुल, पहले पोटेंशियल डिवाइडर, परफेक्ट। आने दो बेस वोल्टेज निगेटिव स्टूडेंट्स, पीएनपी ओनली, पीएनपी कोई इशू नहीं है। यस, देखिए सबसे पहले यूजिंग पोटेंशियल डिवाइडर देखो, ए बात एविडेंट है, यहां बेस करंट लगभग जीरो है, राइट? लगभग निग्लेक्टेड है, निग्लेजेबल है, तो क्या यहां पर हम लोग वीडीआर लगा सकते हैं? यस, तो मैंने समझाने के लिए यहां लिख दिया -10 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल है 4K, नीचे वाले का पोटेंशियल 16K, और ये ग्राउंड है, और आपको इस नोड का वोल्टेज चाहिए वीबी, तो बताओ क्या वीबी वहां से लेकर ग्राउंड तक के बीच का वोल्टेज है? तो यूजिंग पोटेंशियल डिवाइडर वीबी बराबर -10 × 16K / 16K + 4K, तो -10 × 16 / 20, -8 वोल्ट आ रहा है, दिस इज वीबी, वीबी का मान -8 आ रहा है, चेक दिस, फाइन, ठीक है। अब अगर वीबी का मान सबसे करेक्ट, ज्ञान प्रभा करेक्ट, अब ये जो वीबी आया है, इधर देखिए, अब ये जो वीबी आया है
बेस वोल्टेज अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में आई बी आर बी निग्लेक्टेड हो जाएगा, तो ये सर्किट एक्चुअल में ऐसा है इस समय। देखो इस समय हेलो हाँ नहीं क्लास में क्या बस बताइए वीबी का मान माइनस एट है। अब देखो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करूं तो बेसिकली इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा होना चाहिए, ये अपने पास माइनस टेन है, फिर माइनस टेन के बाद यहां टू किलो ओम है, फर्दर यहां एक
ब्रांच है अपने पास हाउ मच 10K। अब देखो इधर अपने पास बेस वोल्टेज क्लियर हो चुका है -8 और एरो मार्क आपको बता रहा है कि यहां पर एमीटर टू बेस दिस वन है और इसके अलावा यहां नीचे ग्राउंड था राइट। अब इन्होंने पूछा है आपसे कि आप क्लियर करो कितना कौन कौन सा पोटेंशियल बेस और एमीटर वोल्टेज। बेस वोल्टेज तो पता चल गया, एमीटर वोल्टेज की अगर हम बात करें कौन सा एमीटर वोल्टेज फाइन, कौन सा वोल्टेज हमें पता करना है एमीटर वोल्टेज। एमीटर वोल्टेज के लिए इसकी बात कर रहा हूं मैं एमीटर की, तो मुझे क्या कहना चाहिए VEB बराबर VE माइनस VB राइट। VEB बराबर VE माइनस VB। अब यहां से जब मैं VE माइनस VB करूंगा तो VE बराबर क्या हो गया, VE बराबर VEB प्लस VB। VEB का मान 0.7 है प्लस VB का मान -8 है, तो क्या ये वैल्यू अपने पास आ चुकी है माइनस का कितना 7.3 वोल्ट। बोलो कोई इशू, ठीक है। VB माइनस 8.26 नहीं एग्जैक्ट आ रहा है, राइट अगर आपको एमीटर करंट भी पता करनी होगी तो पता कर लेते, उसमें क्या इशू है, एमीटर करंट पता कर लो। तो अगर आप एमीटर करंट पता करते हो, देखो यहां पर एमीटर करंट का मतलब था आईई, इधर देखो ना स्टूडेंट्स, क्या यहां पर एमीटर करंट नहीं होगी, दिस इज आईई ओनली और यहां आईसी करंट होगी फाइन। तो आपने अगर यहां से पता किया तो आईई बराबर 0 माइनस वीई बटे 10K, पता नहीं करना मन है तो कर लो, माइनस ऑफ माइनस 7.3 बटे 10K, कहां करंट निगेटिव आ गई, दिस इज 0.73 मिली एम्पियर, हाँ तो रहा है प्लस। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, वीसी भी निकाल सकते हैं। अप्रोक्सीमेट का मतलब ही क्या होता है, आईई और आईसी सेम होना, आईई और आईसी सेम होना 0.73 ठीक है। अब यहां से आप अगर वीसी निकालना चाहते हो, ये मान लो वीसी, आईसी बराबर मेरे पास कैलसी है नहीं, वीसी माइनस ऑफ माइनस 10 बटे कितना है 2K, तो एक मिनट, आईसी का मान है 0.73 इंटू 2K या 0.73 इंटू 2 बराबर वीसी प्लस 10, तो वीसी का मान माइनस का 8.26 है क्या, चेक करो -8.26 राइट। अब बताओ मुझे वीसी कितना हो गया, वीई माइनस वीसी, वीई कितना है माइनस का 7.3
वीसी कितना है माइनस का 8.26, बताओ दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, आ रहा है प्लस माइनस आ रहा है, बोलिए कितनी आ रही है वैल्यू, पॉइंट 936, यही आ रहा है क्या, 0.96 है, हेलो, हाँ सर गुड इवनिंग, बढ़िया सर, हाँ सर क्लास में था, हाँ करता हूँ फिर ना मैं आपको फ्री हो गई, ठीक अब यहां पर 0.96 है, ओके किसी ने लिखा था 0.936, जो भी है 0.96, क्या ये वैल्यू कंसर्न ये नहीं है, क्या बोल रहे हो 8.54 है, कहां 8.54 है, वीसी का मान, एक मिनट, वीसी का मान 8.54 है, माइनस 8.54, अब बताना कितना है ये 8.54 है अगर, अरे ये पूछा नहीं गया था इसलिए मेरे पास कैलकुलेट है नहीं, ये किसी ने भी यहां बीच में पूछा कि सर वैल्यू माइनस आ रही है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूं, VE इज हाउ मच, -7.3, फिर माइनस ऑफ माइनस 8.54, हाँ अब कितना आ रहा है, सर क्वेश्चन में तो पूछा नहीं गया, अरे ठीक है ममता नहीं पूछा गया, प्लस का 1.24, ठीक है, ज्ञान प्रभाव डाउट क्लियर है, वैल्यू माइनस आ रही थी दैट इज राइट, बट आप मुझे बताओ क्या वीई और वीसी में वीई भी निगेटिव था, ये भी निगेटिव था, वीई के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा निगेटिव था, राइट, तो क्या इन दोनों का अंतर अभी भी प्लस नहीं है, और अंतर अगर प्लस है तो क्या ये अभी सैचुरेशन में जा सकता है, गॉट इट, तो हमारा एजम्पशन अभी तक सही है, कोई इशू नहीं है इसमें, ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन ओनली, इसलिए वीसी कैलकुलेट कराया है, वीसी कैलकुलेट नहीं करना था, दैट इज राइट, हाँ किसी को डाउट आया तो मैंने बता दिया, ये जस्ट कैलकुलेशन पूछी नहीं गई थी, ये इसकी जरूरत नहीं थी अपने को, ये मैंने जानबूझकर कैलकुलेट करा दिया है, ठीक है, एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर वैल्यू माइनस में आ रही है, तो माइनस में आने दो, फाइन, अल्टीमेटली वीईसी निगेटिव नहीं है, अगर वो माइनस में आता तब सैचुरेशन, बोलो कोई इश्यू इसमें, चलो किसी को कोई दिक्कत इसमें, चलो फाइन, फॉर द सर्किट गिवन बिलो, कैलकुलेशन लेकिन सही किया करो स्टूडेंट्स,
लेट बीटा इज इक्वल टू 60. अब जो लिखकर आप दोगे मुझे तो वही लिखना है ना. लेट बीटा इज इक्वल टू 60, द वैल्यू ऑफ VCEQ. EQ का मतलब समझ रहे हैं, लास्ट में Q क्या लगाया, क्यूसेंट. ठीक है. अब यहां पर फिर से एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है. दिस इज प्लस 10 वोल्ट, यहां 2 किलो ओम. यहां तीर का निशान है. अब तीर के निशान से कंफ्यूज तो नहीं होते स्टूडेंट्स, कहीं भी हो सकता है. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जैसा एग्जामिनर लेना चाहे वैसा ले सकता है. अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया है. ये 2.2 के है, यहां माइनस का 10 वोल्ट है, फर्दर यहां प्लस 5 वोल्ट है, यहां 10 के, और नीचे 20 के, और यहां माइनस का 5 वोल्ट. ये क्वेश्चन है. देखो तीर के निशान के अकॉर्डिंग यहां पर एमीटर करंट बन रही है. एमीटर करंट इन है तो पक्का कलेक्टर करंट आउट होनी चाहिए, बेस करंट भी आउट होनी चाहिए, राइट. अब आप यहां पोटेंशियल डिवाइडर लगा सकते हो. ध्यान देना बीटा 60 है, अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा, एग्जैक्ट एनालिसिस ओनली. आरबी आईबी को निग्लेक्ट नहीं करोगे. आईबी आरबी निग्लेक्ट कब होता है, जब बीटा का मान 100 या 100 से ज्यादा हो तभी निग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब सबसे पहले यस बेस वोल्टेज कितना है, आंसर नहीं आया. पोटेंशियल डिवाइडर बीटीएच नॉट बेस वोल्टेज, इस बार इसको बेस वोल्टेज नहीं कह रहे. हाँ डायरेक्ट बेस वोल्टेज नहीं निकाल सकते, क्या निकाल रहा है वो VTH, क्योंकि इस बार RB ले रहे हो. गॉट इट. हाँ VTH लिखना है इस बार. VTH हाउ मच, VTH कितना है इस बार, गलत है आपसे, नहीं हाँ गलत है. How much VTH? Use exact method. अब ठीक है. हाँ सत्यजीत अदिति रॉन्ग, रौनक रॉन्ग. देखो इधर ये क्वेश्चन था. अब इस पर अपन निकालना चाहते हैं. देखो इधर ध्यान से,
राजरानी रॉन्ग, देखिए लिसन, इफ बीटा इज इक्वल टू, यहां दो कॉन्सेप्ट मुझे समझाने थे इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है मैंने, इफ बीटा इज इक्वल टू 60 देन एग्जैक्ट एनालिसिस राइट क्या यूज करेंगे, एग्जैक्ट एनालिसिस, चलो थेवेनिन इक्विवेलेंट के लिए इस साइड का सर्किट बनाओ तो यहां कितना था प्लस 5, फिर यहां प्रतिरोध 10K, इस बार बेस करंट निग्लेक्टेड नहीं है, बेस करंट होगी कुछ राइट, हाँ 10K, और यहां नीचे प्रतिरोध है 20K, और इस तरफ का वोल्टेज -5, आपको ये वाला वोल्टेज चाहिए ना स्टूडेंट्स, दिस इज VTH, गोविंद अब आप मुझे बताओ क्या KCL नहीं लगा सकते इस नोड पर, एक करंट ऊपर मान लो एक करंट नीचे मान लो, I1 + I2, अप्लाई KCL, अगर KCL अप्लाई करें, दो सोर्स है ना, I1 + I2 = 0, दोनों बाहर मान ली करंट, I1 का मतलब VTH -5/10K प्लस VTH -± +/20K, दोनों का LCM 20K, 10K के साथ कितना आ गया 2 VTH -10 + VTH + 5 = 0, 3 VTH = 5, तो VTH = 5/3, बताओ कहीं अगर मैं गलत कर रहा हूं, अरे कोई मेथड लगाओ दुनिया का, सुपरपोजिशन से भी यही आएगा, मैंने बताया था ना मेरा जन्म ही इसी के लिए हुआ है, घबराओ नहीं, नया सुपरपोजिशन मत बनाओ, देखो यहां पर, अरे कोई मेथड मुझसे कहो स्टूडेंट, करंट सेम लेकर भी आंसर वही आएगा, देखो जरा सब कुछ दिखाता हूं, चलो ये मान लो कॉपी किया, देखो अब अगर प्रिंसिपल ऑफ SPT लगाएं, जिन लोगों को लगता है यूजिंग SPT लगाएगा, दो सोर्स हैं या नहीं, एक देश और एक देश, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्लोज पाथ बनाना लंबा प्रोसेस हो जाए, यही से समझना, दो सोर्स हैं, टेकिंग वन सोर्स एट ए टाइम, तो फॉर यूजिंग SPT अगर सुपर पोजिशन थ्योरम लगाते हैं अध्यारोपण प्रमेय, तो आप क्या कर रहे हो जरा समझना, व्हेन टेकिंग 5 volt ओनली, जब केवल 5 volt को ले रहे हो, तब उस समय इस -5 को क्या कर दोगे, ग्राउंड, अब बताओ VTH बराबर क्या हो जाएगा, VTH- मान लो पहला रिस्पांस, टोटल वोल्टेज 5 × 20K, देखो इधर टोटल वोल्टेज 5 × 20 / दोनों प्रतिरोधों का जोड़, तो क्या लिख सकते हैं 10K + 20K, राइट, तो ये आ गया 5 × 20/30 + 10/3 volt, और जब when taking -5 volt only, अब जब आप -5 लेंगे, देखो जरा फिगर में क्या चेंज है, अगर आप इस बार -5 ले रहे हैं तो
सॉरी डुप्लीकेट यस। देखो इस बार मैं माइनस पांच को ले रहा हूं तो इस पांच को ग्राउंड कर दूंगा। अब बताओ वीटीएच किसके किसके बीच निकालोगे? वीटीएच इस नोड से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो बताओ इस समय नया वीटीएच क्या होगा? वीटीएच डबल डैश बराबर माइनस पांच गुणे किस पर निकालोगे? 10K पर डिवाइडेड बाई 10K प्लस 20K माइनस 50 बटे 30 माइनस का 5/3। बताओ दो वीटीएच आ गए, एक वीटीएच डैश एक वीटीएच डबल डैश, राइट। वीटीएच डैश का मतलब प्लस का 10/3, डबल डैश का मतलब माइनस 5/3, आया 5/3 बदल गया हो तो बताओ। फाइन। दूसरी बात देखो, कहानी घुमा फिराकर सब एक है लेकिन अपना अपना ओरिएंटेशन है। अगर मान लो किसी को ऐसा लगता है, ऐसे भी कर सकते थे, देखो ये दो अलग अलग करंट ना मानकर, देखो क्या इस पाथ में करंट सेम होगी जो यहां वो यहां? एग्री। पूरे की करंट निकाल लो, आई बराबर 5 - -5 - 10 + 20, तो 10K + 20K 10/30K, कोई दिक्कत? अब आपको वीटीएच चाहिए, क्या चाहिए? वीटीएच। तो क्या वीटीएच बराबर 20K पर धारा का प्रोडक्ट यहां का वोल्टेज प्लस यहां का वोल्टेज, तो 20K इंटू आई प्लस माइनस 5, 20K इंटू आई कितना था? 10/30K, के से के कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो ये आ गया 20/3 - 5। बताओ यहां पर एलसीएम लेने पर 20 - 15/3 आया 5/3। बदला हो तो बताओ स्टूडेंट्स, चेंज हुआ तीनों मेथड में से कहीं से आंसर वीटीएच का? अब देखो क्लोज पाथ बनाकर बताता हूं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा कहो वैसे आएगा, राइट। नए किरचाफ मत बनना बस। रौनक क्लियर है? वीबी कैसे मान सकते हो, यही बात तो सिखानी है। वीटीएच मानो, वीटीएच। अब अगर अब मैं, अरे स्टूडेंट्स ये सब देखो, हाथ की सफाई बेसिक में रखो, बेसिक क्लियर तो फिर यहां दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बाकी तो जस्ट केबीएल केसीएल ही है सब कुछ, और कुछ है नहीं नया, राइट। अब यहां पर आप अगर क्या पता करना था इसमें, भूल गया मैं, वीसीईक्यू। चलो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान देना सभी लोग, मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं, इक्विवेलेंट सर्किट, क्या इक्विवेलेंट सर्किट पर पहले 10 वोल्ट सप्लाई है ऊपर, आप लोग चेक कर लेना, फिर यहां प्रतिरोध है कोई, फिर ये ट्रांजिस्टर है, यहां वोल्टेज -10 है, और आपने जो थेवनिन बनाया उस थेवनिन का मतलब क्या होगा? एग्जैक्ट एनालिसिस में यहां आरटीएच भी आएगा, राइट। और यहां क्या आया?
VTH. राइट स्टूडेंट्स, अब बताओ मुझे क्या ये बेस वोल्टेज है या ये बेस वोल्टेज है? सी द क्लियर पॉइंट, दिस इज बेस और दिस इज बेस? बेस इज हियर ओनली, गॉट इट? ये जब तक IBRTH खत्म हो जाता था, जीरो हो जाता था, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस हो जाती थी, तब तक ये वाला वोल्टेज बेस हो जाता था. क्लियर सत्यजीत? अगर घर में गलती से आप लोगों ने नोट्स को पीछे पलटा हो तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए. देखो ऊपर से करंट कौन सी आ रही है, रेड कलर से दिखाता हूं. से दिस करंट इज एमीटर करंट, और अगर एमीटर अंदर आ रही है तो पक्का कलेक्टर बाहर जानी चाहिए. फाइन, कलेक्टर करंट बाहर जानी चाहिए, बेस करंट भी बाहर जानी चाहिए. और बेस टर्मिनल ये है स्टूडेंट्स, बी क्लियर. दिस इज ये एमीटर, ये कलेक्टर, ये RTH है. और क्या एग्जैक्ट एनालिसिस में कौन सी एनालिसिस कर रहे हो? एग्जैक्ट. अगर एग्जैक्ट एनालिसिस कर रहे हो तो क्या इस RB को हटा दे रहे हो क्या? वो तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं हटाकर चल रहा था अप्रोक्सीमेट पर. एग्जैक्ट में RTH हट जाएगा क्या? फाइन, RTH होना चाहिए. तो RTH भी जरा पता कर लो. RTH निकालने का तरीका क्या होता है? परिपथ में कोई सोर्स नहीं होना चाहिए. इधर देखो, ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, तो क्या ये दोनों पैरेलल में नहीं आ जाएंगे यहां से 10 और 20? फाइन, क्या ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे 10K + 20K? सो यू कैन राइट RTH बराबर 10K + 20K, 10 × 20 डिवाइड बाई 10 + 20, 200 / 30, 20/3, 6.66K. ये है RTH, ना कि VTH. राइट RTH VTH तक कोई इशू तो बताओ. VC only students. NPN means VC. VC EQ का मान माइनस में आ जाएगा. राइट ट्रांजिस्टर इज PNP. तो ये वाला टर्मिनल क्या है इस समय? एमीटर. ये क्या है? कलेक्टर. तो एक्चुअल में क्या है यहां? प्लस माइनस VEC. यहां बनने वाला वोल्टेज प्लस माइनस VEB. राइट. कंप्लीट. एक मिनट, ऊपर के मैं रेजिस्टेंस कॉपी कर लूं. 2K and 2.2K है ना? अपने पास दो प्रतिरोध हैं, एक 2K और एक 2.2K. दिस इज ठीक है. देखो एक्चुअल में इस समय हमारे पास सिचुएशन ऐसी है स्टूडेंट्स,
ठीक है, चल देखो अब यहां पर अगर हम लोग केवीएल लगाए, वीटीएच कितना आया था अपने पास 5/3। देखिए स्टूडेंट्स, एक इस पाथ पर भी केवीएल लग सकता है, राइट? तो बोलिए 10 बराबर, और अगर आप सुनो इनपुट पर भी लगाना चाहते हो तो यहां भी देखो, बेटर ये था इस बात पर हम लोग केवीएल लगा डालते, कोई इशू तो नहीं, मतलब ऊपर दिखाऊं इसको, ऐसा तो नहीं कुछ चाह रहे, ऐसे डायरेक्ट लगा दूं, तो 10 इज इक्वल टू 2k इंटू IE प्लस VEB, फिर प्लस IBRTH प्लस VTH बराबर 0। एक मिनट, अब किस बात का 0, राइट? प्लस VTH। अब इससे अगर मुझे इन दोनों टर्म्स को देखना है, राइट, तो देखो आपको पता है 10 माइनस VTH माइनस VEB बराबर 2K। यहां मैं लिख सकता हूं 2K के साथ IB इंटू 1 प्लस बीटा, और प्लस IB इंटू RTH कितना था 6.66K। तो आप लिख सकते हैं IB बराबर 10 माइनस VTH कितना था 5/3 1.66, दिस इज 0.7 डिवाइडेड बाई 2 गुणे 1 प्लस बीटा कितना था 60, बीटा कितना था 60, तो 60 और 1 61 हो जाएगा, प्लस 6.66 और के भी आएगा, बताओ बेस करंट कितनी आ रही है। बेस करंट बताओ स्टूडेंट्स कितनी आ रही है आईबी, बेस करंट इज हाउ मच, देखो इसके आंसर भी अलग अलग आ रहे हैं, तीन आंसर 85.2 59 14.91। बेस करंट इज हाउ मच इन मिली एम्पियर, पॉइंट जीरो फाइव नाइन। क्या भरोसा करें स्टूडेंट्स आप लोगों पर, कैलसी में उठाकर लाता हूं, है ना? अब अगर आई बी आ चुका है तो आईसी आ जाएगा, आईसी बराबर बीटा आई बी, बीटा 60 था, आई बी 0.059 मिली एम्पियर, हाउ मच आईसी, आईसी कितना है, 60 का मल्टीप्लाई करिए, सुनो पॉइंट भी इधर उधर हो सकता है 3.54, राइट?
ये आईसी आ गया, ये आईबी आ गया, और अगर आईसी और आईबी आ गया तो क्या अब वीईसी पता चल जाएगा? ठीक है, राइट। हाँ, एमीटर करंट भी आपको पता है ना, एमीटर करंट कितनी होगी स्टूडेंट्स? आईई बराबर आईबी प्लस आईसी, और आईबी कितना था? 0.059 प्लस 3.54, हाउ मच बताओ एमीटर करंट दोनों का सम? थ्री पॉइंट फाइव फोर एंड 0.059, थ्री पॉइंट एग्जैक्ट सिक्स हो गया। हाँ, 599 मीन्स 3.6, ये आई आ गया। अब कुछ नहीं स्टूडेंट, बाहर बाहर केवीएल लगा दो लाइक दिस, अप्लाई केवीएल इन आउटपुट साइड, अप्लाई केवीएल इन आउटपुट साइड। अगर आउटपुट साइड केवीएल लगाएं, ठीक है, आउटपुट साइड, तो क्या बन जाएगा? 10 बराबर 2K इंटू आई प्लस वीईसी प्लस 2.2K इंटू आईसी माइनस 10, तो 20 माइनस 2K इंटू एमीटर करंट कितना है? 3.6 मिली एम्पियर, और माइनस का 2.2 कलेक्टर करंट कितना है? 3.54। चेक कर लो स्टूडेंट, बताओ कितना आ रहा है वीईसी? वीईसी शुड बी इन प्लस ओनली, बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर? वैल्यू कितनी फ्रेम हो रही है? दिस इज वीसी, ये आपका फाइनल आंसर है। केवीएल लगाया स्टूडेंट आउटपुट लूप में, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। कंप्लीट। अब इस डाटाबेस पर एक बहुत क्लासिकल क्वेश्चन थोड़ा सा, कुछ दो चार थोड़ी एनालिसिस अपनी बेटर करते हैं, ठीक है मैन? करेक्ट।
कुछ डाटाबेस को इंप्रूव करते हैं। देखो पीएनपी पढ़ा रहे पहले, चलो पीएनपी पे ये करा देता हूं मैं, बीटा फोर्स और बीटा एक्टिव का थोड़ा मतलब देखेंगे। There are plenty of problems, students. Almost in BJT, BJT 500 numericals are there, almost. But we are doing some normal application-based problem so that we can have basic commands at least. देखो, अब इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है। यहां से बीटा का एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझ में। मैं प्रॉब्लम में बोल रहा हूं एज्यूमिंग बीजेटी, एज्यूमिंग बीजेटी इज इन सैचुरेशन, ये अच्छा क्वेश्चन है। बीजेटी को किसमें मान लीजिए, सैचुरेशन में। अभी तक सब सारे क्वेश्चंस किस पर कर रहे थे, एक्टिव। अब लिखा है एज्यूमिंग बीजेटी इज इन सैचुरेशन with VEC, with VEC emitter to collector voltage, VEC का मान 0.2 दिया है। तो ये शायद आप जानते भी हैं कि VEC का मान 0.2 means saturation only, right? बताया था मैंने। अब इसके बाद बोला गया calculate all currents या फाइंड कैलकुलेट ऑल करेंट्स एंड नोड वोल्टेजेस, एंड नोड वोल्टेजेस। ठीक है, आपको सभी करेंट्स और नोड वोल्टेजेस बताने हैं। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जर्व केयरफुली। अब से एक मेंशन होगा, ठीक है, मेंशन होगा, नहीं होगा तो अब आप सिलिकॉन मैंने पढ़ाया स्टार्टिंग में 0.2 ओनली, राइट। अगर कुछ नहीं बोला है 0.2, आइडियल केस है वीसी जीरो, दैट इज आइडियल ओनली। अब यहां पर ये ट्रांजिस्टर है, अब इसने बायसिंग नहीं दी, मतलब नॉर्मल एक सर्किट दिया है। यहां 5 वोल्ट, फिर यहां 1 किलो ओम है, फिर इसके बाद फर्दर 10K और यहां निगेटिव पर पोटेंशियल अप्लाई है, दैट इज -5। यहां कुछ 10K है, यहां ग्राउंड है, ठीक है जी। अब आपको दिख रहा है कि ये एरो लगा है, इसका मतलब यहां डायोड बन रहा है कटिंग वोल्टेज। इसका मतलब इस पोटेंशियल को अगर मैं वायर को बाहर खींचूं, तो ये कौन सी वायर है, एमीटर टर्मिनल, और ये कौन सा पोटेंशियल है, कलेक्टर। इसे ही कहा जाता है वीईसी, क्या कहते हैं इसे आप, वीईसी। और एमीटर करंट की डायरेक्शन अगर दिस है, दिस इज एमीटर करंट, तो यहां प्लस माइनस क्या बन रहा है, वीईबी। और एमीटर करंट अगर अंदर जा रही है तो पक्का बेस प्लस कलेक्टर, बाहर जा रही हो बेस करंट दिस है, कलेक्टर करंट दिस है। होप इतनी बात आप गेट कर रहे होंगे, राइट। अब वीईसी क्वेश्चन में कितना दिया है, 0.2
कितना मेंशन किया है 0.2 फॉर व्हाट सैचुरेशन। अब आप ट्रांजिस्टर की कौन सी कंडीशन यूज करेंगे सैचुरेशन कंडीशन राइट। नाउ यू कैन स्टार्ट द बिट इजली यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। No students, this is base. Base terminal is this only. Don't use this as a base. मैंने आपको क्या कहा है, कोई भी ट्रांजिस्टर है अगर उसके टर्मिनल्स ये डिसाइड होते हैं यहां यहां और यहां, फाइन। ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर, उसमें निग्लेक्ट कर देते थे इसको जब क्या पढ़ रहे थे पोटेंशियल डिवाइडर अप्रोक्सीमेट केस, फाइन। यहां कोई पोटेंशियल डिवाइडर नहीं है, एक जनरल सर्किट दिया है जिसमें कोई बेस रजिस्टर लगा है, बेस करंट अभी ले रहे हैं, फाइन, जितनी भी होगी लेंगे। How much base voltage is? Network चाहिए स्टूडेंट, ऐसे नहीं। देखो देखो देखो, अब सिखाता हूं कुछ। देखो इधर, क्या ये भी एक पूरा नोड माना जाएगा? बोलो, ये एक पूरा नोड माना जाएगा, फाइन। इस नोड पर केसीएल क्या बनेगा? अप्लाई केसीएल, आईई बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट को इशू। बोलो क्लियर। अब ये बताओ, इधर देखो स्टूडेंट्स, क्या ये वाला टर्मिनल यहां तक का वोल्टेज बेस वोल्टेज है क्या? एग्री हो? और यहां वीई है और यहां वीसी है, राइट। इधर देखो सब लोग, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्यों ना मैं सभी वोल्टेज को बेस बना लूं? देखो इधर, इस वोल्टेज से अगर यहां तक का वोल्टेज घटाते हैं तो बेस मिलता है, यस। अगर मैं बेस वोल्टेज से इस वोल्टेज को घटाऊं तो क्या ये वोल्टेज नहीं मिलेगा, राइट। तो वीई बराबर बेस वोल्टेज से घटा रहा हूं, घटाओ जरा। जब आप इस बेस वोल्टेज से माइनस दिस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या ये वीबी प्लस 0.7 बन जाएगा? बोलो कोई दिक्कत? और इधर देखो, अगर वीई से इस वोल्टेज को घटाओगे तो क्या वीसी मिलेगा? VE से अगर इस 0.2 को घटाओगे तो VC मिलेगा, तो क्या VC का मान VB प्लस 0.5 है? बताओ स्टूडेंट्स, अगर तीनों नोड वोल्टेज पता है बेस के रिस्पेक्ट में तो क्या नोडल लग सकता है?
बोलो, अगर तीनों वोल्टेज नोड के पता है बेस के रिस्पेक्ट में, तो क्या ये वाली करंट बराबर दिस करंट प्लस दिस करंट नहीं होना चाहिए? That's why I am saying classical question. Now see, IE means, देखो इधर, IE means, लगा कैसे भी लेना कोई इशू नहीं, मैं कुछ नया सिखाना चाह रहा था. बताओ स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं सेमीटर करंट को? 5 माइनस ऑफ दिस बटे दिस लिख सकते हैं. मुकेश, 5 माइनस दिस डिवाइड बाई दिस ओनली. क्वेश्चन आप लोग इतना सीरियस होकर देखते हो, उसमें क्वेश्चन डर जाता है आप लोगों से. 5 माइनस वीबी प्लस 0.7 डिवाइडेड बाई 1K. बेस करंट का मतलब बताओ जरा. देखो इधर, दिस वोल्टेज माइनस 0 बटे आईबी. क्लियर? ये डर तो नहीं गए स्टूडेंट्स कि बेस से इसको कैसे घटाते हैं? बेस से अगर इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? यहां पहला साइन माइनस है और यहां प्लस है. रौनक, क्लियर है ये बात? जब कुछ मेंशन नहीं है, ऑलवेज 0.7 ओनली. कुछ मेंशन थोड़ी ना है स्टूडेंट्स, ऑलवेज टेक 0.7. वो तो मैंने आपको रेंज समझाई थी क्वेश्चंस के लिए कि रेंज का सिलेक्शन कैसे होता है, डाटा कैसे आया. एग्जामिनर जब कुछ मेंशन नहीं कर रहा, आप हमेशा क्या लेकर चलेंगे? सेम 0.7 ओनली. अब यहां रेंज का क्वेश्चन थोड़ी ना है, रेंज देता तो बात अलग थी. वो रेंज बताता 0.6 से 0.8 तो क्वेश्चन बदल जाता. फाइन, रेंज बताई क्या उसने? हाँ, तो ऑलवेज टिपिकल वैल्यू दैट इज 0.7. अब देखो, आईबी का मतलब बेस वोल्टेज माइनस 0 डिवाइड बाई 10K. दिस इज बेस वोल्टेज डिवाइड बाई 10K. आईसी देखो, देखो स्टूडेंट्स, दिस वोल्टेज माइनस माइनस दिस बटे 10K. तो ये हो जाएगा वीबी माइनस माइनस प्लस 5 बटे 10K. राइट? बताओ बेस.